हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फ्रेंड आप सबके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से एक करी रेसिपी, जो बनाएंगे फ्रेंड्स बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। बस हल्के फुलके इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे इसको, पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं और इसको हम अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। और अंडे को हम इस तरह से कट लगा लिए हैं, इससे होता क्या है ग्रेवी इसके अंदर जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे पैन अच्छे से बिल्कुल गरम हो गया, तब हम इसमें डाल देंगे सरसों तेल। कोई भी नॉन वेज फ्रेंड आप सरसों तेल में बनाइएगा तो काफ़ी यम्मी बनता है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा निखर के आता है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेल को हम अच्छे से धुआं निकलने तक गरम कर लेंगे पहले, और फिर इसमें हम डालेंगे हल्का सा हल्दी। हल्दी डालने से क्या होगा, जब हम अंडा ऐड करेंगे तो बहुत छींटा मारता है, तो हल्दी ऐड करने से फ्रेंड ये बिल्कुल छींटा नहीं मारेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने ईग को ऐड कर दिए हैं, और बस इसको हम हल्का सा चलाते हुए इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये फ्राई होने में फ्रेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। तो दोनों साइड हम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हम इस तरह से इसको पलटते पलटते हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्राई हो गया है, तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसको फ्रेंड हम साइड में रखते हैं, और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम को ऑफ कर लिए हैं। और इसी में हम आधा चम्मच खड़ा जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पत्ता, एक सूखी मिर्ची हम डाल दिए हैं, ताकि इसे फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और साथ में हम 3-4 काली मिर्ची डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स अब ये सबको हम अच्छे से पहले पकने देंगे, उसके बाद हम प्याज को ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने और हरी मिर्ची को हम अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिए हैं, ताकि ये ग्रेवी जब बनती है फ्रेंड तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में ग्रेवी। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं, और इसको फ्रेंड प्याज को भी हम अच्छे से गोल्डन होने तक इसको हम भूनेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये गोल्डन बिल्कुल हो गया है, तब हम इसमें और मसाले को ऐड करेंगे। तो मसाले में उससे पहले हम आधा टमाटर इसको बीज निकाल के हम चॉप कर लिए थे और इसको ऐड कर दिए हैं। और जब टमाटर हम यहाँ पे ऐड किए हैं तो साथ में हम नमक ऐड कर देते हैं, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको फ्रेंड्स अब यहाँ पे और भी मसाले जो ऐड करना है ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हल्दी ऐड कर दिए हैं कलर के लिए। और साथ में ही एक छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड कर दिए हैं, और ये हमने आधा चम्मच डाले हैं चिकन मसाला, और 1/4 स्पून हमने गोलकी पाउडर, 1/4 स्पून हमने जीरा पाउडर, और ये रेड मिर्ची पाउडर हमने ऐड कर दिए हैं। और ये फ्रेंड हम ऐड कर रहे हैं लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और सभी मसालों को हमने ऐड कर दिए हैं। अब साथ में हम डाल देंगे पानी 1 से 2 चम्मच, और फिर इसको हम चलाएंगे ताकि मसाला जले नहीं
और कलर भी बहुत प्यारा आता है। तो जब भी आप मसाले ऐड करिए और फ्राई करने लगे तो 2 से 3 चम्मच पानी आप ज़रूर ऐड करिए। और साथ में हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, तो हम बस थोड़ी सी ही गरम मसाला ऐड करेंगे, छोटी आधी चम्मच। तो देख सकते हैं हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब फ्रेंड्स इसको हम कवर करके मसाले को सेपरेट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक तेल अलग दिखने ना लगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसको कवर कर दिए हैं। और अब फ्रेंड्स आपको हम दिखा रहे हैं 2 से 3 मिनट बाद, और यहाँ पे मसाले को फ्राई करेंगे फ्रेंड्स मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि मसाला भी नहीं जलेगा और फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। बस हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए हैं और इसको फ्रेंड मसाले अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गए थे, तो हमने पानी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो जितना क्वांटिटी में पानी ऐड करना है फ्रेंड यहीं पे हम सारा पानी को ऐड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ग्रेवी बहुत थिक बनेगी, आप बिल्कुल यम्मी भी देखने में लगेगा। तो बस इसको हम कवर कर दिए हैं ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड बॉयल अच्छे से आ गया है। तब हम इसमें अंडा का जो फ्राई करके रखे हैं सारे पीसेस को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और फिर से फ्रेंड इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 5 से 6 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, ताकि इसमें मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो करी है या अंडा करी है काफ़ी टेस्टी बन के रेडी होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड 6 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं, तो हमारा अंडा करी बनके बिल्कुल रेडी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको फ्रेंड्स तो देख सकते हैं हम एक बार अच्छे से और मिक्स कर देते हैं। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और मसाले को बहुत देर तक फ्राई करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरह से ऐड कर दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पे धनिया पत्ती कटा हुआ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो हम यहाँ पे कसूरी मेथी को ऐड कर दिए हैं। बस आपको अब सर्व करके दिखा रहे हैं 10 मिनट बाद फ्रेंड। तो देख सकते हैं वाव कितना थिक और यम्मी ग्रेवी दिख रहा है ना। तो फ्रेंड्स आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर इस तरीके से आप ट्राई करिएगा और बना के देखिएगा, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया इन्हेंस होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप ज़रूर पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करिए इस तरीके से बना के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।